एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटा सा बौद्ध बिच्छू रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था, तब उसने एक छोटे से जानवर को देखा जो एक बड़ी बिल्ली से डरकर भाग रहा था। बिच्छू ने बिल्ली को भगा दिया और जानवर को बचा लिया। जानवर बहुत खुश था और उसने बिच्छू को धन्यवाद दिया। बिच्छू ने जानवर से उसका नाम पूछा। जानवर ने कहा, मेरा नाम अनजाना है। बिच्छू ने पूछा, अनजाना का मतलब क्या है? अनजाना ने कहा, अनजाना का मतलब है अनजान। बिच्छू ने पूछा, तुम अनजान क्यों हो? अनजाना ने कहा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। मैं नहीं जानता कि कल मैं सुरक्षित रहूँगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे कोई चोट पहुँचाएगा या नहीं। मैं इन सब बातों से डरता हूँ। बिच्छू ने अनजाना को समझाया, डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन हमें डर पर विजय प्राप्त करना सीखना चाहिए। डर हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। बिच्छू ने अनजाना को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली था। वह अपने राज्य पर बहुत अच्छी तरह से शासन करता था। एक दिन राजा ने एक सपना देखा कि एक बड़ी सेना उसके राज्य पर हमला करने वाली है। राजा बहुत डर गया। वह अपने राज्य को बचाने के लिए क्या कर सकता था? राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उन्हें अपना सपना बताया। सलाहकारों ने राजा को सलाह दी कि वह एक बड़ी सेना तैयार करे और हमले से पहले दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। राजा ने सलाहकारों की सलाह मानी और एक बड़ी सेना तैयार की। जब दुश्मनों ने हमला किया तो राजा की सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया। अंत में राजा की सेना ने दुश्मनों को हरा दिया और राज्य को बचा लिया। राजा ने अपने सपने से सीखा कि डर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। अगर वह डरता नहीं होता तो वह कभी भी दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता और अपने राज्य को बचाने में सक्षम नहीं होता। बिच्छू ने अनजाना से कहा, राजा ने अपने सपने से सीखा कि डर हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। हमें भी डर पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अनजाना ने बिच्छू की बात सुनी और अपने डर पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखा। धीरे धीरे अनजाना ने डर पर विजय प्राप्त कर ली। वह अब भविष्य के बारे में नहीं डरता था। वह जानता था कि अब वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर सकता है। एक दिन अनजाना जंगल में घूम रहा था जब उसने एक बड़ी आग देखी। आग तेज़ी से फैल रही थी और कई जानवरों को झुलसा रही थी। अनजाना जानवरों को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। उसने आग से कई जानवरों को बचाया। अनजाना की बहादुरी देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने अनजाना को धन्यवाद दिया। अनजाना बहुत खुश था कि उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी और दूसरों की मदद कर पाया। दोस्तों, डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन हमें डर पर विजय प्राप्त करना सीखना चाहिए। डर हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। हमें ध्यान और योग जैसे साधनों का अभ्यास करके अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, एंड वंदे मातरम।